जिला हेडक्वार्टर कुपवारा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे वाका गांव हैनीकूट आबाद है। इस गांव की आबादी करीब 4000 की है और इस गांव के लोगों का रोजगार ये है, ये माल मवेशी पाल के उन्हीं को मार्केट में फरोख करके अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। पिछले साल मेरे पास तकरीबन 25-30 बेड़ू थी, तो जब विंटर से निकाल लिए तो बीमारी पड़ गई। पिछले साल हमारे गाँव में तकरीबन 90% मवेशी खत्म हो गए। जब मवेशी बीमार पड़ते हैं तो यहाँ पे कोई वैक्सीनेशन होती है उनके लिए? ना नहीं, कुछ भी नहीं होती है उनके लिए, कुछ नहीं। ऐसे ऑर्डर निकालते हैं वो। पिछली दफ़ा यहाँ मैंने ही बोला था कि इस साल और ना हो जाए, मैंने बोला था कि वैक्सीन आओ और हमारे बेटों को वैक्सीन करो। आधे गांव तक आए, आधे गांव छोड़कर वो निकल गए। वहाँ उन्होंने वो डब्बा भी वहाँ ही रखा है, वो सब सिस्टम वहाँ ही रखा है। एक महीना डेढ़ महीना हो गया आए नहीं। इस इशू को लेके मैं वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन ब्लॉक विलगाम से मिला और उनकी नोटिस में ये बात लाई और जो मैंने वीडियो बनाया था उनको भी दिखाया। लोगों ने ये भी बताया जो वहाँ पे एक लोग सुनने छोड़ा उस वक्त, तो उन्होंने ये बताया कि एक दिन के बाद हम फिर एरिया में जाके वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएंगे। तो उसके बाद तकरीबन 50% गाँव अभी वैक्सीनेशन के बगैर ही हैं, इसका क्या वजह है सर? जी हम एक्सप्लेनेशन निकाल रहे हैं इस रिगार्डिंग कि उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट क्यों नहीं की है और इग्लो बॉक्स वहाँ पे क्यों छोड़ा है। तो पहले हम देखेंगे कि वो क्या जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को, उसके बाद ही हम कुछ मतलब उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। क्या हम ये उम्मीद रखेंगे वहाँ पे फिर वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होगी? डेफिनेटली हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी है, जो हमारे ऑफिशियल्स वहाँ पे है तो उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दी है कि अगर कोई पेंडिंग वैक्सीनेशन ENT की है तो वो जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए और मुझे रिपोर्ट करें। शुक्रिया सर। उसके बाद उन्होंने अपनी एक टीम इस गाँव में भेजी और यहाँ पे करीब 40 ऐसे कुंभे हैं जो सिर्फ माल मवेशी पाल के अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं और उनके 400 के बेड़ों को यहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुकी है। मैं हूँ पीर अजहर, यह है मेरे वीडियो का इम्पैक्ट। मेरे पास मीडिया वाला पीर मोहम्मद अजहर कश्मीर अनहोड से आया था, तो उसके आगे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उसने ये शीप है एक्सपेंडरी को इन्वॉल्व किया और इसके ये डॉक्टर हमारे सामने हैं, दोनों डॉक्टर यहाँ आए ये आए, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पहले मेरे घर आए, तो इन्होंने पूरे गांव को आज वैक्सीन करनी भी है और की भी, आधे गांव को की है, बाकी को ये आगे करके या ख़त्म करेंगे। तो मैं कश्मीर अनहर्ट के जो पीर अजहर है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा तावन दिया और हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इन्होंने यहाँ आकर सभी बेड़ों को वैक्सीन की। पर साल इस वैक्सीन ना होने की वजह से हमारे यहाँ 15-20 बेड़ों मर गए थे। मैं उसका बहुत बहुत पीर अजहर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा तो साथ दिया। मुझे उम्मीद है कि वो हर चीज़ में हमारा साथ देंगे।